अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब गाइस? आज मेरा हुलिया कैसा दिख रहा है आप लोगों को? मैंने आज हेयरबिंड लगाई, ऐसी लगा दी क्योंकि बाल बहुत डिस्टर्ब कर रहे, गर्मी ज़्यादा हो रही है और आज मेरे घर में हो रही है मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम, जो दो दिन से आप लोगों को बोल रही थी। ये गंदा हो रखा है, मेरा ड्रेसिंग टेबल गंदा हो रखा है, गंदा हो रखा है। तो मैंने कल आप लोगों को पता है एक ड्रॉअर का सामान खाली निकाला था और वही मुझे करना नहीं मिला। अभी मैंने उसको बैठ के साफ़ किया है और साफ़ करके टोप में उठा के रखा है और आज़म वो भी नहीं करने दे रहा था। एक्चुअली कैसे प्रोडक्ट पे धूल है तो आज़म वो धूल टच करता है, मुंह में डालता है। तो ड्रेसिंग टेबल के लिए साफ़ करने को तो आराम से लंबा टाइम चाहिए रहता है मेरे को। पहले उसको साफ़ करो, उसके बाद उसको सेट करो। तो मैंने बुलाया निशा आए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अभी तुम ये सामान निकाल के साफ़ करके रख दो, तो मैं इसको बाद में सेट कर दूँगी। उसमें भी आज़म, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ आ रही खाली इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि इसको ऐसा रखना, इसको ऐसा उठाना। इनको नहीं मालूम एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ कांच की चीज़ें हैं, परफ्यूम है, पैक प्रोडक्ट्स है मेरे, मतलब बहुत सारा सामान है माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं उनको वही बताने आई कि ज़रा ध्यान से करना। तो उसमें भी आजू बाजू ही भटक रहा है, चिल्लाना ही होता है उसको क्या आज़म? और गाइस एक बात है, यहाँ निशा से बहुत मस्ती करता है आज़म, मैं कभी बताई नहीं आप लोगों को। निशा व्लॉग में लूँ? चलेगा ना? चलेगा। अरे ले लो, पर मुंह दिख गया अभी मुंह दिख गया निशा का। बताओ जरा अपना खूबसूरत चेहरा। हाँ देख लो देख लो ये है गाइस हमारी निशा, बताओ मैं एक फोटो खींचती हूँ। हाँ तो ये हमारी निशा है, ये आते हमारे घर पे, साफ सफाई करते, बर्तन धोते। अभी कैसे ना घर की साफ सफाई भी अब मैं इनसे कराती हूँ। अभी आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ, ये अपने घर में झाड़ू, जमीन, बर्तन, पोछा और महीने में घर की एक आध चीज़ें, मतलब जैसे कि कभी बेडरूम हो गया, कभी किचन हो गया। निशा का काम बड़ा साफ सफाई वाला है गाइस, मुझे इनका काम बहुत पसंद है, अपनी हुमा जैसे ही है। बट हुमा अपने को टांग देती थी और मैं उनको टांग देती हूँ निशा कब से मिर्जा? हाँ दीदी की डिलीवरी हुई थी तभी आई, तभी दीदी को जरूरत पड़ती तभी आती हूँ, जब बुलाते तब बुलाते, जब मैं आ जाती हूँ। हाँ और जब बोलूंगी मुझे निशा ये चीज एक्स्ट्रा, मेरे को आज काम करके चाहिए, तो रेडी हो जाते हैं निशा करने। हो जाते हम तो ऐसा है। वैसे देखो गाइस, मैं ना कभी भी अपना ड्रेसिंग टेबल किसी से भी क्लीन नहीं कराती, किसी से भी नहीं, लेकिन ये आजम के होने के बाद। वरना मैं अपनी एक एक चीज खुद अपने हाथ से निहारती हूँ, देखती हूँ, फिर लगाती हूँ। क्या हुआ? चाबी लग गई। इनके काम ही ऐसे, अगर किचन साफ करने बोलो तो किचन का ड्रॉर लगवा लेते हैं और कुछ साफ करने में श्योर है ना कि होना ही चाहिए मेरे साथ कुछ ना कुछ। और आधे से ज्यादा दिमाग ना उनका आजम में रहता है, आजम से बात करने में रहता है। हाँ अच्छा लगता है मुझे। आजम तू दूर हट भाई, आजम तू दूर हट, चलो आ जाओ हम बैठ। अब निशा मेरे ब्लॉग में डेली आएंगे, आएंगे ना निशा? और आ जाऊंगी। आएंगे ना पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे वाह कितनी अच्छी बात है, मेरे को लगा था निशा को प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो तुम भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे ओ अभी दूर दूर से लोग निशा को देखेंगे। अरे बाप रे आजम को देखो, आजम आ निशा, जलने वाले जल जल के राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे और क्या। ओ ये तो सेलिब्रिटी बन गई निशा मानिंद क्या। सो गाइस यहाँ पे तो ये दुपट्टा साफ करके, ये नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ साफ करके मुझे टॉप में दे देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था इसमें कॉकरोच वगैरह हो गए थे, तो आप देख सकते हो कॉकरोच ने अपनी निशानी भी छोड़ के गया है हर एक प्रोडक्ट पे, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा होगा। तो ये सब अभी ये साफ करके बस टप में रख देंगे, फिर शाम में इवनिंग के टाइम पे मैं हर प्रोडक्ट को अपने हाथ से लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं जरा बड़ा वाला टप लेके आती हूँ, उसके अंदर पोछ पोछ के रखती हूँ, पर अच्छे से पोछना वो। इसके लिए देखो मैं पानी चेंज करके, ठीक है चलेगा, फिर मैं चेंज करने होने के बाद मैं ये सब पोछ के टप में रख देती, ठीक है चलेगा। जैसे बोली थी वैसे, यहाँ ये वाला दूसरे टप में, वाला दूसरे टप में। तो गाइस यहाँ पे मैं छोटे टप में रख दूंगी, बड़े टप में, इसमें सामान ज्यादा। हाँ माशाल्लाह गाइस ये यूज करने वाले सामान है मेरे, और ये अनयूज, मतलब अभी तक के मैंने इसको ओपन नहीं किया है। हाँ बस खाली यहाँ पे मेरे ये आई शेडो पैलेट से देख सकते हैं आप, ये मैं यूज करती हूँ, बाकी सारे अभी तक मैंने खोले नहीं है। ये मेरी मेडिसिन वगैरह है, तो बस अभी ये भी रखना है। हेलो ए तू तू चल मेरे साथ आ जा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बाबा, चल चल इसको लेके मैं बाहर बैठती हूँ गाइज, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट के लिए यहाँ आती हूँ तो ये भी आ जाता उठ के। सो गाइज यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने इसको तो बहुत अच्छे से, ये देखो कचरा यहीं पे पड़ा हुआ,
इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पोछ पाछ के यहाँ रख दिया, बस खाली इसको सेट करना है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया, इतना सी पोछने पाछने में मुझे 45 मिनट लगे थे। तो ऐसा इतने टाइम से निशा ने मुझे बोला नहीं कि मुझे ब्लॉग में लो, हाँ ऐसा क्यों निशा? अच्छा नहीं लगता था मुझे। अभी कैसे अच्छा लगा? अभी लगता है क्योंकि हाँ क्योंकि आदत हो गई ना तुम्हारी इसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब मैं पहले इनको अच्छा नहीं लगता था, अब मैं व्लॉग बनाती देखती देखते 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 इनका दिल खुल गया है ना। हाँ बस सोचते होंगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम सोचते होंगे ना ये अकेली एड़े चाले क्या करती फोन के अंदर। हाँ ना सोचते थे, सोचती सच में सोचते थे। हाँ। अब समझा मैं क्या करती हूँ, अभी भी नहीं समझा? हाँ समझ गए। क्या समझा बताओ, डेफिनेशन दो। डेफिनेशन दो? हाँ क्या समझा? मैं वीडियो कहाँ डालती हूँ, कहाँ अपलोड करती हूँ? यूट्यूब पे। और YouTube पे खाली इंडिया के लोग नहीं देखते, बाहर के भी लोग देखते हैं। आप समझा ना? हाँ। तो मतलब अभी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डाल सकती हूँ ना लाइव? हाँ, डालो डालो, बाद में डिलीट नहीं कर। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप सुना देना दो चार बातें। मतलब जैसे कि कोई भी अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता है, उल्टी सीधी बातें करते है। देखो यहाँ पे ना तुमको अच्छा बोलने वाले भी मिलेंगे, बुरा बोलने वाले भी मिलेंगे। बुरा बोलने वाले मिलेंगे ना तो आपको ही जवाब देंगे। मैं तो मेरे लिए भी जवाब नहीं देती, समझे? वही लोग जवाब देंगे जो तुमको पसंद करते हैं, समझे? ये अपनी जो ऑडियंस है ना, क्या बोलती बताए, बुरा बोलने वालों पे ध्यान नहीं देने का। बस शाहरुख खान को भी, हाँ शाहरुख खान को भी लोग कुछ भी बोलते हैं, मोदी को भी लोग कुछ भी बोलते हैं, अपने को अच्छा बोलने वाले अच्छा बोलने वाले। बुरा बोलने लाइफ में है ना, अपने लाइफ में अपन खुश है और किसी की जरूरत नहीं। गाइस देखो मेरी निशा को कोई कुछ गलत बोलने का नहीं है। हाँ और जो जल जल के बोल रहे तो तुम समझ जाओ, मैं लड़ने वाली नहीं है उनसे, मैं क्लियर बोल रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं होती, मैं यूट्यूब पे तो और चला दूंगी। हाँ मतलब मैं कमेंट पे लड़ती नहीं है निशा, मैं पहले बता दे रही, वीडियो डालने से पहले पूछ रही हूँ, नहीं तो कल को बोलेगी मेरे को डाल दिए तुम यूट्यूब पे, मेरे को तुम्हारे दीदी देखो तुम्हारे वीडियो में मुझे कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है, अब ये वीडियो डिलीट करो, ऐसा नहीं बोलना। हाँ सुने ना निशा, मैं डिलीट डिलीट नहीं करती वीडियो, मैं बोल रही बहुत रिस्की है। फेव नेम तुम लोगों को पसंद आओगे। गाइस बताना आप लोगों को निशा कैसी लगी, ठीक है? और आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को वो चाहिए, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा शूट करूँ या नहीं करूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? क्योंकि वो मेरे घर में काम करने आते हैं तो वो वक्त मेरे को ब्लॉग मेरा बंद हो जाता है, पहले मैं ही बंद करती हूँ, उनकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ कई बार, कि वो है घर में मुझे शूट करना रहता है, वो होते हुए मेरे पास कंटेंट भी रहता है ना, तो मैं शूट नहीं कर पाती इसी वजह से। बट अगर वो फ्री हो जाएंगे तो मेरा आधा से ज्यादा कंटेंट जो मैं नहीं शो कर पा रही वो मैं कर पाऊंगी, है ना निशा? हाँ। तुम रहते हो तो मैं शूट नहीं करती ना, मेरा टाइम खराब हो जाता है ना, मतलब जैसा बहुत सारे काम होते हैं गाइस घर के अंदर, किचन साफ कर रहे हो तो अकेले वो अकेले नहीं करते, उसमें मेरा भी इनिशिएटिव रहता है, कुछ वो कर रहे हैं उसमें मेरा भी इनिशिएटिव रहता है, लेकिन आधे से ज्यादा काम अगर ऐसे ही हो जा रहा है ऑफ कैमरा तो मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं जाया हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो अभी तो अच्छा है, शुक्र है कि उन्होंने बोले हाँ ठीक है चलेगा, वैसे तो मैं अपना नुकसान खुद करा रही थी इतने टाइम से, अब मैं नुकसान नहीं होने दूंगी, अपना कंटेंट खुद निकालूंगी मैं, ठीक है? तो गाइस प्लीज ए काजल दे दे, इतना गोरा मत हुआ कर, चल हाथ तो धो देख कितना गोरा हो गया देख तू। बाप रे ये लड़का देखे, दो मिनट पे ध्यान नहीं देते ये होता है, लेकिन मजा भी आता है। वो तो है, तुम भी बहुत हार्ड कागज से पोछ रहे ले मेरे बच्चे का इतना नाजुक सा हाथ। ओलो लोलो मजे नाजुक सा हाथ। गाइस इसका कपड़ा हो गया गीला, तो अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ आजम को टकी टकी, और अब से ना आप लोगों निशा मेरे घर में 2-2.25 घंटे देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो करने वाले हैं बर्तन झाड़ू जमीन और बच्चों के कपड़े, तो उसमें तो आराम से वो घर में रहेंगे मेरे, और कभी एक्स्ट्रा काम रहेगा तो वो भी करेंगे, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप कैसे इतने टाइम से मैं उनको शूट नहीं करती थी, तो मेरे जो भी स्पेशल काम रहते थे कुछ भी, तो मैं आप लोगों के साथ दिखा नहीं पाती थी, बट अब मैं अपना काम अपना कंटेंट दिखा पाऊंगी आप लोगों को। आजम इधर आ, आजम चलो गाइस मैं उसको पिना देती हूँ। नहीं नहीं बॉक्स का निकाल रहे तो चल, नहीं चलेगा निकाल देंगे तो निकाल देंगे ना, हाँ। क्योंकि बॉक्स हटाना, खाली ये बॉक्स हटाओ, हाँ ये सारे बॉक्स मत हटाओ जो, हाँ। पैकिंग के साथ है ना वो मत हटाओ, अच्छा ठीक है, खाली कार्टन वाले बॉक्स हटा दो, ठीक है चल। ये देखो मैं 2 मिनट के लिए आई तो ये भी तुम मेरे पीछे आ गया, कैसे करने का बताओ टक्की।
और कभी कभी चाबी लेके जाएगा और पूरे घर में घुमाएगा। अरे टोटल 6 चाबी थी मेरे पास, जिसमें से कितनी बची? एक मेरे को वहाँ पे जंग वाली मिली, एक ये है और पता नहीं और का गई। एक तुमको भी मिली ना यहाँ पे? सो गाइस बैठे बैठे बातें देख, दे इधर पे एयरबड मेरा बच्चा दे भी देता अच्छे से माशाल्लाह। बैठे बैठे बात निकली हमारी उमा की, उमा कौन पहचानते ना आप लोग, उमा की बात निकली। निशा को वही बता रही थी वीडियो उमा का मेरी, देखो उमा कितने फ्रेंडली आती थी। और उसकी कहानी तो पूरी नहीं सुनाई, वो कहानी तो आप ही लोगों को पता है पूरी क्या है उमा की। अभी तो बहुत दूर पड़ेगा उनको मेरे घर पे आने, तो अभी तो यहाँ पे जब से आई तब से उमा तो यहाँ आई ही नहीं, निशा ही आते हैं मेरे घर पे, आते जाते जो काम कराना है मुझे मैं उनसे ही कराती हूँ। ऐसा जब हम लोग बाहर घूमने जाते ना गाइस, तो मेरी बिल्लियों का ख्याल भी यही रखते, मेरे घर को साफ करते भी तभी यही है जब हम लोग बाहर जाते 2-3 दिन के लिए। निशा के साथ इसकी मस्ती अलग रहती है गाइस, कुछ भी बोलो आप लोग। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ तब से देख रहा है निशा को। अल्लो है ना, आजम मामू को देख के रोता था, नानी को देख के रोता था, लेकिन निशा को देख के कभी नहीं रोता था। अजू नहीं, आजम आजम पगार कट हो जाएगी। हाँ ये बहुत आजू आजू करते हैं आजम को, आजू आजू आजू, मेरे लिए आजू क्या बोलते, मेरे बच्चे का नाम इतना प्यारा आजम, मेरी मोहब्बत में मैं भी अज्जू अज्जू कर देती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। दे दो मेरे पास। बच्चों का नाम जो है वही पुकारना चाहिए ना आजम, है ना। मैं पहले उज्मा आजम हुआ था तो मैंने भी सोची थी कि उज्मा को उज्जो बोलती हूँ ना, रखो रखो, उज्मा को अज्जू बोलती हूँ ना, अज्जू बोलती ना, हाँ उज्जो उज्जो बोलती हूँ, तो आजम को अज्जू बोलूँगी। बट लेकिन कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि नाम को ऐसा बिगाड़ने का नहीं अपने बच्चों के। उल्लो क्या बोले, कल फुल धमकी मिली है मुझे, है ना, कल इसलिए फुल धमकी मिली उनको कि तुम्हारी पगार ही काटती रुको। तो ऐसे गाइस, देखो ऐसा हंसी मजाक हम लोग की ना कैमरे के पीछे होती है जब भी आते, कभी कभी गुस्सा भी करती हूँ मैं उनको, क्यों, क्योंकि ये भी वैसी है थोड़े बहुत। हाँ, लेट आते, लेट आती हूँ बोल रहे, देखो अपने मुंह से क्या बोला, लेट आती हूँ और क्या है ना, इतनी प्रॉब्लम है मेरी। हाँ तो मैंने अभी उनसे एक फिक्स टाइम लिया है कि देखो अगर तुम ये फिक्स टाइमिंग पे आओगे तो मैं इंशाल्लाह तुम्हारा काम बोलती हूँ तो करती हूँ ना, काम बढ़ाऊंगी करके बोलती हूँ तो करती हूँ ना। तो मैंने उनको बोला तुम टाइम पे आओगे तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाऊंगी, तो मैंने फिर उनका काम बढ़ा दिया। तो ऐसा है गाइस कि ये टाइम पे उज्मा भी नहीं रहती घर पे, 3:30 बजे का टाइम दिया मैंने उनको, 3:30 बजे वो आएंगे मेरे घर पे, और वैसे हो जाता है 4:45 कभी बज जाते तो इन्फॉर्म कर देते हो मुझे फ़ोन पे, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उज्मा के आए तक के अपना काम निपटा देंगे, है ना आजम ना। तो ऐसा है, मुझे भी थोड़ा अकेलापन नहीं महसूस होता जब वो आते हैं, तो मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता है, सच्ची कह रही हूँ मैं। आजम वीडियो को लाइक करो, अब्बा नहीं आया अभी, वीडियो को लाइक करो, गया। मैंने तो निशा को ऑफर भी दिया था, याद है तुम्हारे को, दिन भर घर में रहने वाला, काम करने का। मैंने उनको बोली थी जब आजम बहुत छोटा था ना, तो मैंने उनको बोली थी थोड़ा फिक्स काम कर लो, फिक्स पूरा दिन का, तो बोले नहीं, बोले मेरे परमानेंट काम है मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो बोले ठीक है चलेगा। ऐसा कहा आजम, अल्लाह हाफिज कर दे, टाटा बाय बाय कर, टाटा बाय बाय कर, इधर 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 लाइक करो बोल। कहा बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज से करते, अल्लाह हाफिज। तो कहीं हेयरबिन लगाई, वो छोटे बाल पीछे चले गए, अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये जो स्टैंड है ना, इसको धो के यहाँ रखे थे, ये सूख गया अभी, तो मैं इसको लेके जाती हूँ और जाके इसके अंदर इसके जो कंटेनर्स हैं वो लगा देती हूँ। मैं ये यहाँ पे इसमें लगा दे रही हूँ, तुम झाड़ू पोछा लगाने के बाद खसका के लगाना झाड़ू। गाइज देखो हम लोगों ने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल यहाँ से उठा के हटो निशा सरा, ये देखो वहाँ पे लगा दिए, कैसा लगेगा वहाँ,
क्योंकि ना यहाँ पे बहुत अड़ता है, मैं उज्मा के लिए वैन देखने आती हूँ ना, बहुत दिक्कत भी होती है और मैं मेकअप भी नहीं कर पाती हूँ। सामान मेरा ना कंजेस्टन जगह पर रहकर एक ही जगह अटका पड़ा हुआ रहता है, ये दरवाजा ढंग से नहीं खोल पाती हूँ, कुछ देख नहीं पाती हूँ, और यहाँ से रोशनी भी अच्छी आएगी मुझे। अभी बात अड़ रही है इसके ऊपर, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ रखूँ, मेरे को अभी वहाँ रखना ही नहीं है कुछ भी, वो जगह खाली छोड़नी है मुझे। तो मैं सोच रही थी, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये तो वैसे भी बैकस्टोर टाइप हमारा ही रूम है, इधर तो पसार ही रहता है, मैं सोच रही थी यहाँ लगाने का। हाँ ये सही है, यहाँ पे ही लगा देते हैं, बट ये फिर मैट यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ हटा देंगे, कहाँ लगेंगे मैट, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ही रहता है ना वो। पर फिर तुमको ध्यान देना पड़ेगा, वो मैट के आजू बाजू अगर जगह रहती ना थोड़ी बहुत भी, तो फिर बिल्ली लोग कटिंग कर देंगे, तो निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, फिर वो ध्यान से मुझे लगता है ये ना तुम अंदर ये निकाल के ना वो साइड रख दो, मेरे को उधर अभी कोई पसारा नहीं रखने का, बस हो गया, वो खुली हो गई जगह। नहीं ये बाहर खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर जो भी सामान रख रही है सब खराब हो जा रहा है, फेंकने में जा रहा है बारिश के वजह से। ये रहने दो यहाँ पे मैट, इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे लगा दो। देखो अभी निशा उसको झटको जरा, झटको उसको, झटको खोलो जरा, खोलो देखो कुछ तो गिर रहा, कॉकरोच इसमें भी है, खोलो निशा खोलो, कॉकरोच इसमें भी है, कॉकरोचों के लिए तो हो रहा है ये सब कुछ। भी हो गए कॉकरोच है ना, पर इसको धोने का थोड़ी है, धुलेगा कैसे, ये सूखेगा ही नहीं, धुलेगा तो बात छोड़ो, मेरा क्या होगा। नहीं आज तक धोए नहीं मैंने ये चीज, कभी धोए नहीं हम लोग ने इसको, टेप से साफ किया है। देखो टेप लगा लगा के साफ किया है ना, अभी वैक्यूम है मेरे पास, वैक्यूम से क्लीन करूंगी मैं। वैक्यूम है ना, क्या दीदी तुम तो है ना, लेकिन तुम उसको जोड़ेंगे, इतना बड़ा है वो तो मालूम है, इतना बड़ा रहता है। तो देखो ना तुमको अगर यूज करने का तो तुम निकाल के करो, क्योंकि देखो खिड़की में से निकालने के लिए, ये देखो निकालो तो फिर तुम कैसे जोड़ेंगे, वो मेरा काम मत बढ़ाओ फिर। ये देखो ये है वैक्यूम, ये निकला रे बाबा, ये तो एंटी, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं। ये देखो ये औरत ये घर में मेरे आने से पहले से काम कर रहे। निशा तुम यहाँ पे कितने साल से काम कर रही है घर में? मेरे को यहाँ हो गया 12 साल है ना। हाँ। मेरे आने के पहले जो रहते थे उनके घर में भी यही काम करते थे। हाँ, और इनको खुद को नहीं मालूम कि यहाँ पे एक गुफा है। मैंने भी पहली बार ही देखा। लेकिन एक बात बता निशा, मेरे आने से पहले ये घर कैसे दिखता था? एकदम गंदा था। मैंने आके कैसे बना दी? अच्छा है ना, मस्त ना, तो ऐसा है, इतना बड़ा नहीं है क्या, इतना साइज तो है ये। पर वो अटैच करना और फिर उससे साफ करना, फिर उसको धो के रखना, गीला भी नहीं रख सकते तुम, सूखा करके रखना, वो सब मैनेज कर लोगे तो करो, उसके लिए अभी नहीं है टाइम। तो वही तो बोल रही, तुम्हारे पास कभी टाइम ही नहीं रहता क्योंकि तुम लेट आते है। छोड़ो फिर, रहना भी इसके, अभी यहाँ का झाड़ू लगाना पड़ेगा तुमको, ऐसे घुसाड़ दोगे? नहीं अभी ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि देखो निशा की वजह से मुझे पता चला यहाँ पे गुफा है, गुफा। चलो कोई नहीं, देख लो कभी तुमको यूज करने करेगा ना तो यूज कर लेना। हाँ ठीक है, बता दिए ना तुमने। हाँ निकालेंगे ना तो तभी इस पे भी मार देना, हाथ सुने क्या, निकालेंगे तो फिर इस पे भी मार देना। हाँ गाइस, मैं हक से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी ऑर्डर नहीं करती हूँ, माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से उनको लास्ट में महीने के एंड में खुश भी कर देती हूँ, नहीं करती हूँ अभी तो झाड़ू किया। क्या झाड़ू किया? झाड़ू झाड़ू कहाँ है? आजम से पूछो, आजम बताएगा। आजम झाड़ू कहाँ है? झाड़ू झाड़ू कहाँ है? लेके आओ, पहले ही बता दिया। चलो फोल्ड करने दो, हटो। देखो वो बॉटल दीदी, वो बॉटल हटा दो, तुमने मेरे को बोले थे फेंकना मत। ये देखो कॉकरोच, जीते अभी जीते जाते निकलेंगे कहाँ कहाँ से। हाँ बोलो, धूप में लटका डालो थोड़ा। हाँ 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 इधर रख देती हूँ, आज धूप भी है देखो, बताओ धूप है कि नहीं? हाँ है ना, घुमाओ आपको कैमरा, आज धूप है बारिश नहीं है तो उसको ना वहाँ लटका दो, तो थोड़ी धूप लगेगी ना तो धूल जो है ना वो आराम से निकलेगी। हाँ तो उधर ही लटका देते, चलो बड़े बड़े। हाँ सो गाइस अभी कैसा है ना, ये टेबल यहाँ आ गया ना तो मैं इजीली वहाँ बैठ के अपना वो लगा सकती हूँ, तो मैंने बोली इनको हाथों हाथ तुम ये क्लीन करो, मुझे दे दो, मैं अभी लगा देती हूँ। मैं शाम तक के इसलिए रुक रही थी क्योंकि इतनी कंजेशन जगह पे ना इतना सारा पसारा लेके करना बोले तो बहुत वो डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उस वजह से मुझे शांति चाहिए रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो मैं इजिली अभी कर सकती हूँ। आजम यहाँ पे इतने प्यार से बैठा है माशाल्लाह, तू बैठ मम्मा, मैं इसको लगा देती हूँ। तुम अभी क्या पूछ रहे?
ये प्रोडक्ट ना। हाँ कुछ पूछती हूँ ना, तब तक आप इतना रख दो तो मैं इतना पूछ पूछ के रख दूँ फटाफट। मरियम बूटी आजम दूर हटो मामा दूर हटो। नहीं मेरे को कैमरा लगा के कुछ करने देगा तो मैं कुछ निकालू ना काम। अबे बैक कैमरा सब काम कर लेती हूँ तो फिर कंटेंट कुछ बचता नहीं है मेरे पास। नहीं मम्मा लेन दे। गया गया हो गया। हेलो हेलो अल्लाह 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 का है आजम का है। आजम यहाँ इसमें भी कॉकरोच है। अरे बाप रे देखे लो लेके भागो इसको लो। कितने सारे आजम जी क्या देखा तुम साफ किए बोले ऐसा साफ किए निकाल ही नहीं थे ना। अच्छा खासा मेरा बच्चा है। कितने सारे थे ये डब्बे में भी है निशा। देखो सबसे ज्यादा घिन कॉकरोच से आती है। बस बस हो गया बस, बस, बस। और निशा को ना ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं नहीं चल, 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 आ जा। बस बस निशा की ना इन लोगों के साथ दोस्ती है। निशा को इन लोग से डर नहीं लगता। निशा फ्रेंडली है लगते। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि हमारे माड़ा में निशा सब बहुत सारे घरों में काम करते अक्सर ज्यादातर घर में ना निशा। और ये काकरोच की कहानी कंफर्म हुई इनसे ही है मेरे को। हेलो हेलो तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ सब कुछ लगा दी जो इसमें से निकला हुआ था। ये जो आगे दिख रहा है ये सब एक्सपायर हो गया। ये सब एक्सपायर हो गया। ये ना आपके भाईजान लेके जाएंगे वो कुछ करते हैं एक्सपायर प्रोडक्ट का। ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये सब लगा दिया। यहाँ पे सारे परफ्यूम लगा दिया। यहाँ पे फेस वॉश और क्रीम्स लगा दिए। यहाँ पे सीरम और डे नाइट क्रीम बाकी यहाँ और यहाँ ये भी लग गया। ठीक है और निशा अभी यहाँ पे हम लोग अभी ये पलंग हटाएंगे। यहाँ पे झाड़ू जमीन होएंगी। वो ढक्कन दो तरह निशा यहाँ पे झाड़ू जमीन होएंगी। उसके बाद फिर जो इसके अंदर का सामान है ना मेरा लाली लिपस्टिक काजल मस्करा वो सब बाद में लगाऊंगी। क्या हुआ ढक्कन 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 हाँ ढक्कन फाइनली हो गया। बैकग्राउंड ही चेंज हो गया गाइस। वैसे तो देखो यहाँ पे पलंग चेंज पलंग लग जाएगा तो इतनी जगह नहीं बचती इतनी बचेगी लेकिन बैकग्राउंड चेंज हो गया फाइनली है ना। अच्छा लगेगा थोड़ा यहाँ खड़े रह के मैं ब्लॉग बना पाऊंगी है ना। और यहाँ पे पीछे आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल दिखता था वो नहीं दिखेगा अब वो वहाँ चला गया है। बताना कैसा लग रहा है जगह चेंज करने के बाद। सही था ना निशा अपना आइडिया एकदम मस्त है ना। थोड़ा खुला खुला लगेगा वो बोलते मेरे को ना वहाँ पे बहुत कम जगह मिलती थी पोछा मारने की। अब नहीं मिलती अब अच्छे से पोछा मारना वहाँ पे। देखो उसको कुछ तो आज है ना एसी वाला भी आएगा। एसी पानी छोड़ रहा है पानी एसी खराब हो गई अपनी पता नहीं प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा लेकिन पानी बहुत नीचे गिर रहा है एसी में से। तो आज सर्विस वाले को बुलाया है। एसी वाला भी आएगा सर्विसिंग के लिए। तो ऐसे सब काम होते रहते गाइस लेकिन शूट नहीं हो पाता है। अभी शूट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना अपनी दुआ में याद रखना। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बोल लाइक करने बोल जल्दी चलो निशा लाइक करने बोलो। बोला ऐसा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाय गाइस। अभी आगे ना ज्वाइन करेंगे हम लोग आपके साथ। चलो मिलते रहेंगे अभी ठीक। अभी बाजू वाला गंदा पड़ा है वो भी करना है।